23 अप्रैल को नहीं बढ़ी मुमरा कौसा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। वहीं पॉजिटिव हुए 3 मरीज नेगेटिव होकर वापस लौटे अपने घर। मनोज निवास के क्वारंटाइन किए गए एक ही परिवार के 4 लोग भी लौटे अपने घर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राहत की बात है तमाम मुमरा कौसा वासियों के लिए, 23 अप्रैल को एक भी कोरोना पॉजिटिव का नया केस सामने नहीं आया है। कौसा की संख्या 34 पर और मुमरा की संख्या 2 पर ही रुकी हुई है। आप इसे 36 की संख्या कुल मिलाकर के माने और इसमें से अब एक मृत और 3 जो पॉजिटिव मरीज थे नेगेटिव होकर के वापस लौट चुके हैं, इनको एक्टिव संख्या में से कम करके माने, यानी कि अब कुल संख्या बची है 32 की। ये 36, डिस्चार्ज 3, मृत 1, एक्टिव 32, इस तरीके से इसको गिना जाएगा। वहीं उमेर बाग बिल्डिंग कौसा एमएम वैली स्थित उसी नादियुल फला स्कूल के करीब की बिल्डिंग बी विंग में से, जहां से 22 अप्रैल को एक कोरोना पॉजिटिव का मरीज ले जाया गया था, 23 अप्रैल को मनपा ने इस ए और बी बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट को पूरी तरीके से सील कर दिया है। इस खबर में हम उसकी तस्वीरें भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताएंगे शबनम कॉम्प्लेक्स, जहां पर मुमरा कौसा का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जो विघ्नहर्ता का था, उससे चैन पहुंची थी। उस चैन में जो एक ही घर के लोग थे, कुल 11 लोग थे, 11 लोग में से अब तक 7 लोग वापस आ चुके हैं, जिनमें से 4 लोग शुरू से नेगेटिव थे, वो हम आपको पहली खबर में बता चुके हैं। अब 23 अप्रैल को इनमें से 3 लोग वापस लौटे हैं और ये तीनों लोग जो है पॉजिटिव हुए थे, इनके रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे, लेकिन इलाज करने के बाद ये धीरे धीरे नेगेटिव हो गए, स्वस्थ हो गए, चुस्त और दुरुस्त हो गए और आखिरकार अपने घर वापस लौटे। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर, सबसे बड़ी हौसला अफजाई वाली खबर मुमरा कौसा के लोगों के लिए। उसी तरह से मुमरा सीनियर पीआई का जो निजी वाहन चालक था, यानी प्राइवेट ड्राइवर, जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, वो अभी भी आइसोलेटेड है, जबकि उसके पूरे परिवार को ठाकुरपाड़ा मनोज निवास इमारत से क्वारंटाइन किया गया था। 23 अप्रैल गुरुवार के दिन इस परिवार के 4 लोग भी वापस घर लौटे हैं, सही सलामत और चुस्त दुरुस्त वापस लौटे हैं। हम आपको इसमें बारी बारी बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो 3 लोग पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के लौटे हैं शबनम कॉम्प्लेक्स में एक ही परिवार के, उनसे हमारी बातचीत भी हुई है। दोनों पति पत्नी ने क्या कहा वो आप उनकी अपनी जबानी सुनिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे मनोज निवास में जो 4 लोग थे क्वारंटाइन किए गए थे वो अपने घर वापस लौटे, कैसे उनका इमारत के निवासियों ने स्वागत किया वो देखिए। उसके बाद उमेर बाग बी बिल्डिंग और ए बिल्डिंग को कैसे मनपा ने सील किया है वो देखिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पाया गया, उसकी जो चेन बड़ी थी उसके अपने रिश्तेदारों में, उनमें से जो पॉजिटिव पाए गए थे, ऐसे ही एक मरीज आज 23 अप्रैल को गुरुवार के दिन फिट होकर के, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के अपने घर वापस लौट चुके हैं। शबनम कॉम्प्लेक्स की सील कल खुली है और इसी शबनम कॉम्प्लेक्स में जो ये चेन पहुंची थी उसमें से 2 एक ही घर के लोग पॉजिटिव थे, आज वो वापस लौटे हैं। दोनों से हमारी क्या बात हुई वो हम आपको बताएंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो चुस्त दुरुस्त होकर के लौटे हैं, सैयद नाम है इनका, और क्या कहेंगे ये पॉजिटिव रहने के दौरान कैसे इन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी और कैसे अपना ये पूरा समय इन्होंने गुजारा है, इस पर हम बात करेंगे। सैयद भाई, क्या रहा आपका मामला पूरा, किस तरीके से आप कोरोना की चपेट में आए, कैसे आपको पता चला और इलाज कैसा रहा, क्या दिक्कतें पेश आई, तमाम पूरा ये आपका कोरोना का जो लड़ाई का मामला है कैसा बयान करें। कि मैं कलवा में गया था अपने 2 रिश्तेदार को लेके, तो वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि मुझे पॉजिटिव है, तो वहाँ से मुझे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सिविल हॉस्पिटल में मैं 17 दिन तक था, आज पकड़ कर
वहाँ पर जो ट्रीटमेंट देते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से, वहाँ का खाना, वहाँ के सिस्टर डॉक्टर बहुत प्यार से समझाते, खाना तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना का इलाज बेहतरीन तरीके से हो, बहुत बेहतरीन तरीके से, और कोरोना का इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो इंसान बताते हैं जैसे न्यूज़ में वगैरह बताते हैं कि उसे ऐसा होता है, कुछ भी नहीं होता, वहाँ के डॉक्टर भी आके हमको समझाए ले अच्छी तरह की समझा है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि सिर्फ 14 दिन यहाँ पर रहना है बस, और कुछ नहीं। खाना पीने की सहूलत वगैरह बहुत अच्छी तरीके से होती है, 14 दिन में आदमी फिट होकर घर आना ही आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें टेंशन वाली बात एक ही है कि हम लोग यहाँ पर से जा रहे थे तो किसी ने वीडियो निकाला, बस वो वीडियो निकाल के उसने वायरल इस तरीके से किया है जैसे कि क्या हुआ है ना क्या नहीं। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ कि उसको सबक मिले ताकि दोबारा किसी को ऐसे न हो, तकलीफ न हो। सैयद भाई, ये कोरोना आप पॉजिटिव पाए गए, पॉजिटिव पाने के बाद आप अस्पताल गए, अस्पताल में बाद में आपकी वाइफ भी थी और आपका बच्चा अलग वार्ड में था, वो बड़ा तकलीफ का दौर था आप लोगों के लिए ऐसा हमें पता चला, तो क्या कहेंगे उस पर आप? जैसा कि उन लोग माड़ा में थे और मैं सिविल में था, तो माड़ा में होने की वजह से तो टेंशन ही हुआ कि हम लोग को पॉजिटिव की वजह से हम लोग को अलग शिफ्ट किए और उन लोग निगेटिव थे इसलिए हम लोग वहाँ पर रहे। तो उस दौरान उसको सिर्फ बुखार आई थी, तो बुखार की वजह से तकलीफ हो गया था क्योंकि उसको माँ की ज़रूरत थी या बाप की ज़रूरत थी, था चाचा के साथ माशाल्लाह ठीक था, पर क्या करे वो बच्चा ही छोटा, वो डर गया था क्योंकि एक ही कमरे में रखते हैं, वो उस वजह से वो डर गया था, बाकी कोई तकलीफ नहीं थी उसे। इसके वजह से फिर वो हम लोग रिक्वेस्ट करके सिस्टर को या डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके उसके माँ को उसको पास बुलाए और उसको लेके वो शिवाजी हॉस्पिटल में गए। अच्छा जैद भाई, आपके परिवार के 10 लोग गए थे टोटल? जी बिल्कुल। आप आपकी बीवी और सब बाकी के लोग मिला कर के, तो मैं समझता हूँ अभी 6 लोग वापस आ चुके हैं, बिल्कुल है ना, 4 लोग बचे, 4, 3, 7 आए, 7 लोग वापस आ गए, 4 और 3, 7 लोग वापस आए, तो अभी 3 ही लोग बचे हैं। नहीं, जो भाभी है मेरे, हाँ, एक भाई है और एक भतीजी है, और एक दो एक छोटी भाभी, छोटी भाभी, यानी 4 लोग बचे, 4 लोग बचे, मतलब कुल 11 लोग थे। ठीक है सैयद भाई, लोगों ने कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को कोरोना से बचने के लिए? मैं चाहूँगा कि अगर कोरोना से बचना है तो घर में रहो, बाहर ज़्यादा तक मत जाओ, अगर जाओगे तो मास्क लगाओ, हैंड ग्लव्स अगर पहनते हो ठीक है, नहीं पहनेंगे तो भी ठीक है, अगर घर पे आ गए तो अपना हाथ वगैरह अच्छी तरीके से धो लेना, फिर किसी चीज़ को छूना, तब तक किसी चीज़ को छूना नहीं, पहले घर में आओ अपना हाथ अच्छी तरीके से धो और फिर किसी चीज़ को छूओ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये कहना चाहूँगा, जिस तरह हमारे से वीडियो वायरल किए हैं, हाँ, उस तरीके से कोई किसी का नहीं करे, ठीक है, लोग डरते हैं इस चीज़ से, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, पर इन लोगों ने लोगों को डरा के रखे नहीं कि ऐसा हुआ है नहीं वैसा है, बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, जिसने भी वीडियो वायरल किया है मेरी दरख्वास्त है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा वो ऐसा गलती नहीं करे और किसी को तकलीफ ना दे, बस यही मेरी तमन्ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीला है, इसका नाम तौसीफ है। आज आप कितने दिन के बाद हॉस्पिटल से रिटर्न आए हो? 21 दिन के बाद आए। 21 दिन के बाद तो आपको जो पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव के बाद आपकी अब आप पूरे सेहतमंद होकर रिटर्न आए हैं, तो आपका 21 दिन का ये सफ़र कैसा रहा? ये तो मुश्किल है कहना कि कैसा रहा करके, बहुत तकलीफ भी हो गई और खुशी भी हो गई कि आप लोग अभी घर आ गए करके। अच्छा, आपके ऊपर जो आप बीती, जो आपने गुजारी है, और लोगों को, इस शहर के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये शहर के लोगों को कहना है कि जो भी बाहर घूम रहे वो लोग ने घर में ही रहने का, घर में ही रहना बहुत अच्छी बात है, बाहर घूम के दूसरों को भी तकलीफ और खुद को भी तकलीफ होती है। तो ये जो शहर में बहन ये लोग खुलेआम घूम रहे, तो आपसे एक मिसाल है, आप पॉजिटिव होने के बाद भी आप उस लड़ाई को, उस जंग को लड़ के आप रिटर्न आए मुमरा में, और आज आप अपने घर पे पहुँचे, तो इन शहर के लोगों को, जो रस्तों पे घूमने वालों को आप क्या कहना चाहते हैं? घूमने वालों को इतना कहना है कि मेरे को कि तुम घर में ही रहो, तो घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे,
यानी सरकार जो आदेश दे रही है, पुलिस वाले प्रशासन जो आदेश दे रहे उसका पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अच्छा, आपका जो इलाज वहाँ चल रहा था उसमें कोई दिक्कत आई आपको? एक्चुअली मेरे को दिक्कत तो कुछ नहीं आई, लेकिन मेरे जब मेरे बेटे को दूसरी जगह था, मैं दूसरी जगह थी, तभी मेरे बेटे को जो तकलीफ हो गई, उसको वहाँ पे टाइफाइड हुआ, तो वो टाइम में मेरे को तकलीफ आई कि मेरे को उस तक नहीं पहुँचने मिल रहा था, तभी मेरे को इसके लिए थैंक्स कहना है वो आसिफ भाई और शानू सर को, जिन्होंने मेरे को और ये शाहरुख ने मेरे को, मेरे जो भी रिलेटिव्स ने मेरे को हेल्प किए मेरे बच्चे तक पहुँचने के लिए, मैं उनकी सबकी शुक्रगुजार हूँ। तो ये आपके बच्चे से मिलने के लिए उस टाइम पे, एक्चुअली मेरे को तभी 14 डेज नहीं हो गए थे, इसकी वजह से वो लोग मेरे को मना कर रहे थे मिलने के लिए, लेकिन बाद में सब ये करने के बाद 14 डेज के बाद मेरे को उसको मिलने के लिए दिया। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट हो गई शिवाजी हॉस्पिटल में, 10 दिन की 7 दिन का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसका रिपोर्ट निगेटिव आया, हम लोग का मेरा भी रिपोर्ट निगेटिव आया, उसके बाद हम लोग को आज दोपहर में 2 बजे डिस्चार्ज दे दिया। क्या नाम है बेटा आपका? क्या? तौफीक। तौफीक बेटा, आज आप घर पर आए हो हॉस्पिटल से, तो मुमरा की आवाम को आप क्या पैगाम दोगे? घर से बाहर मत निकलो। आप ये पैगाम दोगे कि लोग घर से बाहर मत निकलो? यस।